हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजिशनिंग। आज का अपना टॉपिक है लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब यानी जो नीचे की एक्सट्रीमिटी होती है, नीचे के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अपनी लेग फुट, यानी लेग हो गई पूरी, फुट हो गया, जिसमें अपने कौन से आ गए, फीमर, टिबिया, फिबुला, पटेला, एंकल जॉइंट, ये सारे उसमें आते हैं। तो लोअर लिम्ब के सबसे पहले अपने एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में है द लोअर लिम्ब कंटेन 30 बोन्स। अपने लोअर लिम्ब में यानी लेग में कितनी बोन्स होती है, 30 बोन्स। दीज आर कौन कौन सी होती है, फीमर एक होती है, पटेला एक होती है, उसके बाद में टीबिया एक होगी, फिबुला एक हो गई, टार्सल बोन 7 होती है, उसके बाद में मेटा टार्सल बोन 5 होती है, और फ्लेंजिस बोन 14 होती है। ये सारे टोटल बोन्स मिला के कितनी होगी, 30। ये देखो, अपने इसमें बता रखी है अपना लोअर एक्सट्रीमिटी कहाँ से स्टार्ट होती है, हेड ऑफ फीमर, यानी फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, फिर 7 टार्सल बोन, फिर 5 मेटा टार्सल और 14 फ्लेंजेस। ये सारी अपनी क्या है, लोअर एक्सट्रीमिटी यानी लोअर लिम्ब के पार्ट्स हैं। तो अपने इन पार्ट्स के अभी क्या है, सारे पार्ट्स की आगे आगे स्टडी करेंगे। फीमर, सबसे पहले अपने बात करते हैं फीमर की। फीमर कौन सी हड्डी होती है, तो अपने अपर लिम्ब की सबसे ऊपरी ऊपर की हड्डी कौन सी होती है, फीमर। इट इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट बोन। ये क्या होती है, लार्जेस्ट लंबी और स्ट्रोंगेस्ट मजबूत बोन होती है, यानी ये अपने सबसे लंबी और सबसे मजबूत बोन होती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द हिप टू द नी। ये कहां से कहां तक होती है, हिप से लेके नी तक, यानी ऊपर अपने पेल्विस से लेके नी यानी घुटने तक ये बोन होती है। द फीमर इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। फीमर में कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा पार्ट, अपर पार्ट जिसको अपने बोलते हैं प्रोक्सिमल, फिर आता है साफट, साफ्ट जो क्या होता है, बीच का पार्ट होता है, फिर नीचे नीचे आता है लोअर पार्ट जिसको अपने क्या बोलते हैं, डिजिटल। ये 3 पार्ट हो गए, अपर पार्ट, साफट और लोअर पार्ट, ये अपने 3 फीमर के पार्ट हो गए। द प्रोक्सिमल पार्ट यानी ऊपर ऊपर का पार्ट, अपर पार्ट ऑफ द फीमर कंसिस्ट ऑफ द हेड, नेक एंड 2 बोनी प्रोसेस, द ग्रेटर एंड लोअर ट्रोकेंटर। जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है यानी अपर पार्ट होता है फीमर का, उसमें क्या क्या होता है, हेड होता है, नेक होता है और 2 बोनी प्रोसेस होती है, 2 बोनी प्रोसेस होती है, जिनको अपने क्या बोलते हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेजर ट्रोकेंटर। द हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट्स विद द एसिटाबुलम टू फॉर्म्स द हिप जॉइंट। जो हेड ऑफ फीमर होता है वो क्या करता है, एसिटाबुलम से मिलके कौन सा जॉइंट बनाता है, हिप जॉइंट, यानी अपनी जो फीमर है वो क्या बनाएगी, एसिटाबुलम के साथ में मिलके हिप जॉइंट बनाएगी। देखो इस डायग्राम में दिखा रखा है, ये कौन सा पार्ट है, देखो एसिटाबुलम, और ये कौन सा है, हेड ऑफ फीमर, ये आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, हिप जॉइंट। ये इसका नेक पार्ट हो गया, ये लेजर ट्रोकेंटर हो गया अंदर की साइड का, मिडिल साइड का, और जो लेटरल साइड का बाहर का पार्ट है वो कौन सा हो गया, ग्रेटर ट्रोकेंटर, यानी बोनी प्रोसेस होती है तो ये थोड़ा बड़ा होता है तो ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये छोटा होता है तो लेजर ट्रोकेंटर, और ये अपनी नेक हो गई, और ये नेक ऊपर से हेड ऑफ फीमर क्या है, एसिटाबुलम में मिलके हिप जॉइंट बनाता है।
इसके बाद नेक्स्ट है अपने द डिजिटल पार्ट ऑफ द फीमर, यानी फीमर का डिजिटल पार्ट। डिजिटल पार्ट कौन सा हो गया? लोअर पार्ट। डिजिटल पार्ट ऑफ द फीमर कंसिस्ट ऑफ द मिडल कोंडाइल, लेटरल कोंडाइल्स एंड इंटर कोंडाइल्स फोसा, विच आर्टिकुलेट्स विद टीबिया एंड पटेला, फॉर्म्स द नी जॉइंट। जो अपने फीमर का लोअर पार्ट होता है, डिजिटल पार्ट होता है, उसमें क्या क्या होता है? मिडल कोंडाइल होता है, लेटरल कोंडाइल्स होता है और इंटर कोंडाइल फोसा होता है। और वो क्या है? टीबिया और पटेला के साथ आर्टिकुलेट होके जुड़ के मिल के कौन सा जॉइंट बनाता है? नी जॉइंट। ये देखो इसमें ये अपनी क्या है, पूरी फीमर होगी, ये फीमर का अपर पार्ट हो गया प्रोक्सिमल पार्ट, ये कौन सा पार्ट हो गया? लोअर पार्ट यानी डिजिटल पार्ट, जिसमें मिडिल साइड में कौन सा हो गया? मिडिल कोंडाइल। लेटरल साइड में आ जाएगा अपना लेटरल कोंडाइल, और जो बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं अपने? इंटर कोंडाइल फोसा, जिसके अंदर क्या अपना पटेला जुड़ा हुआ रहता है। और जो डिजिटल पार्ट है वो पटेला और टेबिया से मिलके क्या बनाता है? अपना पूरा नी जॉइंट बनाता है। उसके बाद आता है अपना पटेला, इट इज ए फ्लैट एंड ट्रायंगुलर बोन। ये क्या होती है? फ्लैट और ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है। पटेला कौन सी होती है? जो अपने नी जॉइंट के ऊपर की बोन होती है, जिसको अपने फील भी कर सकते हैं हाथ लगा के। द पटेला इज आर्टिकुलेट्स विद द पटेलर सरफेस ऑफ द फीमर। पटेला कहां पे जुड़ी हुई होती है? पटेलर सरफेस ऑफ द फीमर। फीमर पे क्या है? पटेलर सरफेस होती है। कौन सा अपना? इंटर कोंडाइलर फोसा, वहां अपनी क्या है? पटेला जुड़ी हुई होती है। उसके बाद अपने बात करते हैं टीबिया बोन की। टीबिया बोन कौन सी होती है? टीबिया कौन सी बोन होगी अपनी? टीबिया होती है अपनी लेग के मिडिल साइड की बोन, जो अपनी बड़ी बोन होती है। अपने जब लेग के आगे हाथ लगाते हैं, जो अपने को फील होती है, वो कौन सी बोन होती है अपनी? टीबिया बोन, जो कि क्या करती है? वेट बियरिंग का काम करती है, यानी अपने बॉडी का सारा वेट यही बोन उठाती है। इट इज द मिडिल बोन ऑफ लोअर लिम्ब। ये क्या होती है? लोअर लिम्ब की मिडिल साइड की बोन होती है। इट इज वेट बेयरिंग बोन ऑफ द लोअर लिम्ब। यह क्या होती है? लोअर लिम्ब की वेट बियरिंग बोन होती है, यानी अपने जो बॉडी का वेट होता है वो यही बियर करती है, यही वेट उठाती है। एंड अपने बॉडी का सारा वेट टीबिया बोन पे होता है। द टीबिया इज कंपोज ऑफ थ्री पार्ट्स। टीबिया क्या है? तीन पार्ट्स में होती है। कौन कौन से पार्ट होते हैं? अपर पार्ट, जिसको अपने बोलते हैं प्रोक्सिमल, फिर आता है साफट, फिर आता है अपना लोअर पार्ट, जिसको अपने क्या बोलते हैं? डिजिटल। ये अपने टीबिया के तीन पार्ट्स हो गए। इसके बाद देखो द अपर पार्ट ऑफ द टीबिया कनेक्ट्स टू द नी जॉइंट एंड लोअर पार्ट ऑफ द टीबिया कनेक्ट्स टू द एंकल जॉइंट। एंड जो टीबिया का अपर पार्ट होता है प्रोक्सिमल पार्ट, वो किससे कनेक्ट रहता है? नी जॉइंट से। और जो टीबिया का लोअर पार्ट होता है यानी डिजिटल पार्ट, वो किससे कनेक्ट रहता है? एंकल जॉइंट से। इसके बाद है द प्रोक्सिमल पार्ट हैज मीडियल एंड लेटरल कोंडाइल्स विच आर्टिकुलेट्स विद द फीमोरल कोंडाइल्स फॉर्म्स द नी जॉइंट। यानी जो अपना प्रोक्सिमल पार्ट होता है किसका? टीबिया बोन का। उसके ऊपर क्या होते हैं? दो कोंडाइल्स होते हैं, मीडियल कोंडाइल और लेटरल कोंडाइल्स। ये दोनों कोंडाइल्स किसके साथ जुड़ते हैं? फीमोरल कोंडाइल्स के साथ। यानी जो दो फीमोरल कोंडाइल्स थे उनके साथ अपने टीबिया बोन के कोंडाइल्स जुड़ के कौन सा जॉइंट बनाते हैं? नी जॉइंट। द डिजिटल पार्ट ऑफ द टीबिया कंसिस्ट ए बोनी पार्ट कॉल्ड द मीडियल मेलिलस। जो अपना टीबिया का डिजिटल पार्ट होता है यानी कि लोअर पार्ट होता है, वो उसके आगे क्या होता है? एक बोनी प्रोसेस होता है। उस बोनी प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं?
मीडियल मेलिलस, एंड मेलिलस मतलब टकना, जो अपना अंदर की साइड का टकना है मीडियल मेलिलस, इसको अपने कौन सी बोन बनाती है, टीबिया बोन का एक बोनी पार्ट होता है वो इसको बनाता है। और लेटरल पार्ट कौन सा हो गया अपना, बाहरी पार्ट, तो लेटरल मेलस बाहर के साइड होगा, मीडियल मेलस अंदर के साइड होगा। तो मीडियल मेलस कौन बनाएगा, टीबिया बोन का डिजिटल पार्ट। इट आर्टिकुलेट्स विद द टार्सल बोन्स टू फॉर्म द एंकल जॉइंट, एंड लेटरली इट इज आर्टिकुलेट्स विद द फिबुला टू फॉर्म्स द टिबियो फिबुलर जॉइंट। यह क्या होता है, जो अपना मीडियल मेलस होता है, यह टार्सल बोन के साथ जुड़ के कौन सा जॉइंट बनाएगा, एंकल जॉइंट। यानी जो मीडियल मेलस था वो टार्सल बोन के साथ जुड़ के अपना एंकल जॉइंट बनाएगा, और लेटरली साइड में यानी बाहर की साइड में ये जो अपने फिबुला बोन होती है उसके साथ जुड़ता है, और टिबियो फिबुलर जॉइंट बनाता है। कैसे बनाया, जो अपना मिडिल मेलस है वो अंदर की साइड कौन सी बोन से जुड़ेगा, टार्सल बोन से, और एंकल जॉइंट बनाएगा। लेटरली साइड मतलब बाहर की साइड से फिबुला बोन से जुड़ेगा और टिबियो फिबुलर जॉइंट बनाता है। इसके बाद अपनी आती है फिबुला। एक बार सब पहले अपने टीबिया का डायग्राम देखो, ये कौन सी बोन होगी अपनी, मिडिल साइड की टीबिया बोन, जिसके ऊपर के दो कोंडाइल्स होते हैं प्रोक्सिमल पार्ट में, मिडिल कोंडाइल और लेटरल कोंडाइल, जो किसके साथ जुड़ते हैं, फिमोरल कोंडाइल्स के साथ, और क्या बनाते हैं, नी जॉइंट। उसके बाद नीचे आता है अपना डिजिटल पार्ट। डिजिटल पार्ट का मिडिल साइड क्या होता है, मिडिल मेलिलस, जो टेल टार्सल बोन के साथ जुड़ के अपना एंकल जॉइंट बनाता है, और इसका टीबिया का लेटरल पार्ट जो देखो यहाँ किसके साथ जुड़ रहा है, फिबुला के साथ, और कौन सा जॉइंट बना रहा है, टीबियो फिबुलर जॉइंट। अब अपने बात करते हैं फिबुला की। फिबुला क्या, कौन सी बोन होती है, टीबिया के पास जो लेटरल साइड में बोन होती है वो कौन सी बोन होती है, फिबुला बोन। इट इज द लेटरल बोन ऑफ लोअर लिम्ब, ये क्या होती है, लोअर लिम्ब की लेटरल साइड की बोन होती है। इट रन्स पैरेलल टू द टीबिया, ये क्या, टीबिया के समांतर होती है, एंड बिल्कुल टीबिया के पास में, टीबिया के समांतर ही रहती है। द फिबुला डज नॉट बियर वेट, फिबुला बोन होती है वो अपना वेट बियर नहीं करती, यानी इसका कोई भी काम नहीं होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स, इसके भी कितने पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट, अपर पार्ट यानी प्रोक्सिमल, साफट और लोअर पार्ट। लोअर पार्ट कौन सा हो गया अपना, डिजिटल पार्ट। इसके बाद देखो, द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द फिबुला हैज ए हेड आर्टिकुलेट्स विद द लेटरल कोंडाइल्स ऑफ द टीबिया एंड फॉर्म ए प्रोक्सिमल टीबियो फिबुलर जॉइंट। जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है किसका, फिबुला का, वो किसके साथ जुड़ता है, यानी जो फिबुला का प्रोक्सिमल पार्ट होता है उसमें क्या होता है, एक हेड होता है जो लेटरल कोंडाइल्स एंड टीबिया के लेटरल कोंडाइल्स के साथ जुड़ता है, और क्या बनाता है, प्रोक्सिमल टीबियो फिबुलर जॉइंट, यानी ऊपर का टीबियो फिबुलर जॉइंट बनाता है। द डिजिटल पार्ट ऑफ द फिबुला आर्टिकुलेट्स विद द टीबिया टू फॉर्म्स द डिजिटल टीबियो फिबुलर जॉइंट, एंड इट आल्सो आर्टिकुलेट विद द टेलस बोन टू फॉर्म्स द एंकल जॉइंट। जो फिबुला का डिजिटल पार्ट होता है यानी लोअर पार्ट होता है वो किसके साथ जुड़ता है, टीबिया के साथ। जो फिबुला का डिजिटल पार्ट होता है वो टीबिया के साथ जुड़ता है, और क्या बनाता है, डिजिटल टीबियो फिबुलर जॉइंट। और ये किसके साथ जुड़ता है, टेलस बोन के साथ, यानी जो अपने टार्सल बोन होती है टेलस बोन उसके साथ में जुड़ता है, और एंकल जॉइंट बनाता है।
इसके बाद है द डिजिटल पार्ट ऑफ द फिबुला हैज बोनी पार्ट कॉल्ड द लेटरल मेलस। जो इसका डिजिटल पार्ट होता है फिबुला का, उसमें बोनी पार्ट होता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, लेटरल मेलस। और जो टीबिया का डिजिटल पार्ट में बोनी पार्ट होता है, इसको अपने क्या बोलते हैं, टीबिया के पार्ट को मीडियल मेलिलस, और फिबिया वाले पार्ट को लेटरल मेलिलस। इसके बाद अपने बात करते हैं फुट की। फुट इज डिवाइडेड इनटू द पोस्टीरियर, मिडल एंड एंटीरियर पार्ट। फुट को तीन पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, पोस्टीरियर यानी पीछे का पार्ट, मिडिल यानी बीच का पार्ट, एंटीरियर यानी आगे का पार्ट। द पोस्टीरियर फुट इज फॉर्म्ड बाई सेवन टार्सल बोन्स। जो पोस्टीरियर फुट होता है वो सात टार्सल बोन से मिलके बनता है। ये देखो इसमें दिखा रखा है, ये अपना क्या पार्ट हो गया, इतना पार्ट पोस्टीरियर पार्ट, फिर ये आ गया अपना मिडियल पार्ट, फिर ये आ गया अपना एंटीरियर पार्ट। ये फुट के तीन पार्ट्स हो गए, जिसमें देखो अपने ये क्या है, टार्सल बोन्स हैं, टेलस बोन, कैल्केनियम बोन। ये कैल्केनियम हो गई, ये टेलस बोन होगी, ये कौन सी बोन होगी, नेविकुलर बोन, ये हो गई क्यूबॉइड बोन। और तीन अपनी होती है क्यूनिफॉर्म बोन, लेटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट और मिडिल। तीन क्यूनिफॉर्म बोन होगी, सात टार्सल बोन्स होगी, फिर पांच मेटाटार्सल बोन होती है, और फिर फ्लेंजियस होती है। ये अपने फुट का डायग्राम है। देखो कौन कौन सी बोन होती है, टेलस, कैल्केनियम, नेविकुलर, क्यूबॉइड और क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म बोन के तीन पार्ट्स होते हैं, तीन प्रकार की अपने तीन बोन्स क्यूनिफॉर्म बोन होती है। कौन कौन सी, मिडिल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और लेटरल क्यूनिफॉर्म। तीन क्यूनिफॉर्म बोन हो गई, एक क्यूबॉइड, नेविकुलर, कैल्केनियम और टेलस बोन। ये सात बोन होती है अपनी टार्सल बोन्स। इस डायग्राम में देखो जो टेलस बोन हो गई, किसके साथ क्या जुड़ता है, अपना फिबुला। ये कैल्केनियम बोन हो गई, ये अपनी नेविकुलर बोन हो गई, ये क्यूबॉइड बोन है, और ये तीन बोन्स कौन सी हो गई, क्यूनिफॉर्म बोन्स। इसके बाद आता है अपना द सुपीरियर टार्सल बोन इज टेलस। सुपीरियर टार्सल बोन कौन सी होती है, टेलस बोन, विच आर्टिकुलेट्स विद द टिबिया एंड फिबुला टू फॉर्म्स द एंकल जॉइंट एंड आल्सो आर्टिकुलेट्स विद द कैल्केनियम। जो सुपीरियर टार्सल बोन होती है कौन सी, टेलस बोन, वो टिबिया और फिबुला के साथ जुड़ के एंकल जॉइंट बनाती है, और दूसरी साइड से कैल्केनियम बोन के साथ जुड़ी हुई होती है। द मिड फुट फॉर्म्स द आर्च ऑफ द फुट, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री क्यूनिफॉर्म बोन, क्यूबॉइड बोन और नेविकुलर बोन। जो फुट का मिड पॉइंट है यानी मिड फुट है, वो किससे बना हुआ होता है, एक आर्च होती है। कौन कौन से, तीन बोन्स की, क्यूनिफॉर्म बोन की, क्यूबॉइड बोन और नेविकुलर बोन। ये तीनों बोन मिलके मिड फुट को बनाती है। इसके बाद आता है अपना द एंटीरियर फुट फॉर्म बाय द फाइव मेटाटार्सल बोन्स एंड 14 फ्लेंजेस। जो मिड फुट होता है वो किससे मिलके बना होता है, पांच मेटाटार्सल बोन और 14 फ्लेंजियस बोन से। द ग्रेट टॉय हैज टू फ्लेंजेस। जो अपना टॉयज होता है यानी अंगूठा होता है, बड़ा अंगूठा, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, दो फ्लेंजेस। कौन कौन सी, प्रोक्सिमल एंड डिजिटल फ्लेंजेस, एंड रिमेनिंग टॉयज हैव प्रोक्सिमल, मिडल एंड डिजिटल फ्लेंजेस। और बाकी जो अपने टॉयज होती है उसमें तीन फ्लेंजेस होते हैं। कौन कौन सी, मिडिल फ्लेंजेस, प्रोक्सिमल फ्लेंजेस और डिजिटल फ्लेंजेस। ये अपने क्या है, फुट के पार्ट्स हो गए। इसके बाद देखो अपने को डायग्राम दिखाया गया है, ये अपनी कौन सी बोन है, फीमर बोन। ये फीमर बोन का हेड हो गया,
जिसमें क्या ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेजर ट्रोकेंटर होता है, और अपर पार्ट कौन सा होता है, नेक पार्ट। ये एसिटाबुलम में जुड़ के, हेड ऑफ फीमर और एसिटाबुलम जुड़ के हिप जॉइंट बनाते हैं। ये इसका पार्ट हो गया सफट, और नीचे का पार्ट हो गया इसका डिजिटल पार्ट। डिजिटल पार्ट में दो कोंडाइल्स होते हैं, मिडिल कोंडाइल और लेटरल कोंडाइल, और एक होता है अपना इंटरमीडिएट कोंडाइल्स। ये नीचे की बोन के साथ मिलके नी जॉइंट को बनाते हैं। उसके बाद आता है अपना पटेला बोन। पटेला बोन क्या होती है, फ्लैट और ट्रायंगुलर बोन होती है जो इंटरमीडियल कोंडाइलर फोसा में जुड़ी हुई होती है, जो फीमर बोन का कोंडाइल्स फोसा होता है उसमें जुड़ी हुई होती है। फिर आती है अपनी टीबिया बोन। टीबिया बोन क्या होती है, वेट बियरिंग बोन होती है, और ये इसके ऊपर दो कोंडाइल्स होते हैं, मिडिल कोंडाइल और लेटरल कोंडाइल, जो फिमोरल कोंडाइल्स के साथ मिलके नी जॉइंट बनाते हैं। और इसका डिजिटल पार्ट, नीचे का पार्ट मिडिल कोंडाइल्स बनाता है, और इसका जो दूसरा साइड होता है वो फिबुला बोन से मिलके टिबियो फिबुलर जॉइंट बनाता है, और नीचे ये टार्सल बोन्स के साथ जुड़ के एंकल जॉइंट बनाती है। उसके बाद अपनी बात आती है फिबुला बोन की। फिबुला बोन का ऊपर का कोंडाइल्स टिबिया कोंडाइल्स के साथ मिलके और फेमोलर कोंडाइल से मिलके नी जॉइंट बनवाता है, और जो इसका डिजिटल पार्ट होता है वो लेटरल मेलस बनाता है, और टिबिया के साथ जुड़ के टिबियो फिबुलर डिजिटल टिबियो फिबुलर जॉइंट बनाता है, और एंकल सॉरी टार्सल बोन के साथ जुड़ के एंकल जॉइंट बनाता है, और फिबुला का जो अपर कोंडाइल्स होता है वो टिबिया के अपर कोंडाइल्स के साथ जुड़ के प्रोक्सिमल टिबियो फिबुलर जॉइंट बनाता है। इसके बाद अपनी बात आती है फुट की। फुट पार्ट कौन सा हो गया, एंकल जॉइंट से आगे का पार्ट जो कि अपनी जमीन पे टिकती है, सोल यानी जो अपने बोलते हैं फुट, आगे का पार्ट। इसमें अपने क्या होती है, फुट में तीन पार्ट्स होते हैं, कौन से, एंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। तीन पार्ट्स हो गए। पोस्टीरियर पार्ट्स में क्या है, अपनी टेलस बोन और कैल्केनियम बोन आती है, ये दोनों टिबिया और फिबुला के साथ जुड़ के एंकल जॉइंट बनाती है। कैल्केनियम बोन को अपने क्या बोलते हैं, हील बोन भी बोलते हैं। इसके बाद मिडिल साइड में आते हैं इसके तीन बोन्स, कौन कौन सी, नेविकुलर बोन, क्यूबॉइड बोन और क्यूनिफॉर्म बोन। तीन क्यूनिफॉर्म बोन होती है, ये हो गई अपनी लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन, मिडिल क्यूनिफॉर्म बोन और सॉरी लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म बोन और मिडिल क्यूनिफॉर्म बोन। ये तीन क्यूनिफॉर्म बोन हो गई, और एक नेविकुलर बोन और एक क्यूबॉइड बोन, ये तीनों बोन मिलकर क्या बनाती है, अपनी मिड ऑफ द फुट। एंटीरियर पार्ट में अपने पांच टार्सल बोन और 14 फ्लेंजेस, सॉरी 5 मेटाटार्सल बोन और 14 फ्लेंजेस आती है, जिसमें अपने जो ग्रेट टॉयज होता है उसमें प्रोक्सिमल और डिजिटल दो फ्लेंजेस होगी, बाकी जो टॉयज होते हैं उनमें तीन फ्लेंजेस होती है, प्रोक्सिमल फ्लेंजेस, डिजिटल फ्लेंजेस और बीच में आती है अपनी मिडिल फ्लेंजेस। ये होगी अपनी फुट की एनाटॉमी। अब अपने फुट के व्यूज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।